गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए सिक्स क्लास में हमने कल क्या है कि संज्ञा पढ़ाई थी। संज्ञा के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा दी थी, आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने लाइव भी पढ़ा दिया आपको, वो वीडियो में भी देखिए। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से हमें संपूर्ण जीव की जाति धर्म समुदाय के बारे में बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जातिवाचक के अंदर जैसे दूध दही पानी घी है, और जैसे मान लीजिए भीड़ सभा मंडली जैसे जो शब्द आते हैं वो सभी जातिवाचक के अंदर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुवचन का जो रूप होता है, बहुवचन का रूप जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों पक्षियों तालाबों, तो ये सब बहुवचन का रूप भी हमें जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। साथ ही इसके साथ में जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर और जैसे जैसे कुतिया है घोड़ा है, ये ऐसे जो शब्द आ जाए किसी के लिए किसी जाति के किसी भी जीव के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर भी जातिवाचक संज्ञा ही होगी, ठीक है ना। जैसे पुस्तक, अब वो हिंदी की पुस्तक है कि गणित की पुस्तक है कि या किसी दूसरी विषय की पुस्तक है, नदियों के नाम आ जाए तालाबों के नाम आ जाए, ये ऐसे जो नाम आते हैं तो उसके अंदर नाम आने चाहिए, तो नाम आते ही जैसे यमुना गंगा ये ऐसे नाम आते ही वहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की भाव गुण दोष अवस्था स्थिति रूप रंग आकार के बारे में बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे मित्र का मित्रता, सुंदर का सुंदरता, सौंदर्य माधुर्य है, खट्टा है तो खट्टापन, ठीक है ना, मीठापन मिठाई, ठीक है ना, और बचपन लड़कपन युवावस्था, ठीक है ना, और अपनापन ये ईमानदारी, ये जैसे जो मैं भाव में बदल रहा हूँ वो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, भाववाचक संज्ञा का रूप ही होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। क्या है कि संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है या जातिवाचक जो संज्ञा है वो भाव में बदल जाती है, सर्वनाम भी भाव में बदल जाते हैं, विशेषण भी भाव में बदल जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि भाव में बदल जाते हैं इस प्रकार से। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसके भेदों की क्या परिभाषा होती है, उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपका मतलब ये संज्ञा का जो बिंदु है वो आपका कंप्लीट हुआ और संज्ञा आपको याद कर लेना, ठीक है, कॉपी में कर लेना, ठीक है, धन्यवाद।